हेलो फ्रेंड्स, एसडीआर टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए माइटर फार्मूला लाए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो आपको मिल सके। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। माइटर कट फार्मूला, शेप इंटू डिग्री डिवाइड फुल डिग्री इंटू नंबर ऑफ कट इंटू टू। नंबर ऑफ कट क्या है? ये आपका नंबर ऑफ कट, एक कट, दो कट, तीन कट, मतलब तीन कट में चार पीस आएगा, एक पीस, दो पीस, तीन पीस, चार पीस आएगा। तो तीन इंच का 280 इंटू कितना डिग्री हम लोग बना रहे हैं? 90 डिग्री। 280 इंटू 90 डिग्री डिवाइड फुल डिग्री कितना? 360 इंटू कितना कट में हम बना रहे हैं? थ्री कट इंटू थ्री इंटू टू, टू रहेगा आपका कंपल्सरी। 280 इंटू 90 हमारा आंसर कितना? 25200 डिवाइड 360 इंटू थ्री इंटू टू, आंसर कितना? 2160। 25200 डिवाइड 2160 डिवाइड करने से आंसर 11.6 mm, 12 भी पकड़ सकते हैं। तो क्या फ्रेंड, साइड पीस 12 mm इंटू थ्री। साइड पीस क्या? ये हम लोग को जो मेजरमेंट करेगा साइड पीस है। 12 mm इंटू थ्री इजिकल टू 36, ये आपका 36 जो इधर से हम लोग जो मार्किंग करेगा आपको साइड पीस है 36। 12 mm इंटू सिक्स इजिकल टू 72 mm, तो ये आपका मिडिल पीस 72 क्या, इधर से इधर मार्किंग करना आपको 72 है, ये आपका मिडिल पीस है। मैं आपको कल प्रोसेसिंग दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको मार्किंग करके दिखाएगा कैसे आपको मार्किंग करने का, किस तरह मार्किंग करना, मैं आपको मार्किंग करके आपको दिखाएगा अभी। तो फिर सेम और एक भी मिडिल पीस बन लेने का, ये आपका मिडिल पीस है, ये भी मिडिल पीस, ये आपका साइड पीस, ये भी साइड पीस। तो साइड पीस 36, मिडिल पीस 72, मिडिल पीस 72, साइड पीस आपका 36। एल्बो बना रहे कितना स्टैंडर्ड में यूज होता है, कल हम लोग का 6 मिडिल पीस को इंटू 6 करने का। जैसे अभी बिग रेडियस में बनाएगा एल्बो को क्या करने का हम लोग ना, कॉटबैक को इंटू 8 करने का। चलिए हम लोग का बिग रेडियसन में अब स्टैंडर्ड कर रहा है, इसलिए हम लोग का मिडिल पीस बैग में इंटू 6 कर रहा है, ये आपका स्टैंडर्ड में बन रहा है। आपको स्मॉल रेडियस में बनाएगा क्या करने का ना, कॉटबैक में इंटू 4 करने का, जो आंसर आएगा आपका मिडिल पीस है। ओके फ्रेंड, चलिए बेसिकली मैं आप लोग इंडस्ट्रियल में यूज होता है, स्टैंडर्ड में यूज होता है, इसलिए मैं आपको स्टैंडर्ड में आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ 8 सेंटर लाइन में अभी मार्किंग करने का। ये जो हम लोग का 11.6 आंसर निकला कितना, ये 4 सेंटर लाइन के लिए आंसर निकल गया। अभी 8 सेंटर लाइन के लिए क्या फॉर्मूला ना, 360 डिवाइड 8 इजिकल टू 45 डिग्री। फर्स्ट कट बैक कितना हम लोग का 11.6, सेकंड कट बैक कितना ना 11.6 इंटू साइन 45, साइन 45 का मान कितना ना 0.707, इसको इंटू करने से आंसर कितना 8.2, ये आपका 8 सेंट्रल लाइन के लिए आंसर निकल गया। भी 16 सेंट्रल लाइन के लिए सेम फार्मूला यूज करने का ना, 360 डिवाइड 16 सेंट्रल लाइन इजिकल टू 22.5, कल साइन का 22 मान जितना आएगा आपको आपका कॉट बैम का इंटू करने का। सेम मैं आपको चार्ट बना के आपको दिखा देगा, इधर चार्ट बना के जो आपका साइन का मान दे देगा आपको कितना सेंट्रल लाइन में कितना आंसर आएगा, उसमें खाली कट बैक में इंटू करने का, वो आपको सेंट्रल लाइन में मार्किंग करने का। अभी मैं प्रेजेंट आपको 8 सेंट्रल लाइन मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये आपका 3 इंच का पाइप है, पहले हम लोग को क्या करने का, पहले सेंट्रल लाइन निकालने का। मैं अभी सेंट्रल लाइन निकाल के रखा हुआ, पहले कैसे सेंट्रल लाइन निकालने का, ये 3 इंच का हाफ ओटी लेके आपको मार्किंग करने का। पहले सेंट्रल लाइन निकालने के लिए इधर से आपका स्पीड लेवल रखें, इधर आपको हाफ ओटी लेकर ऐसे मार्किंग करने का। मार्किंग करने के बाद क्या करने का आपको, जो पाइप का शेप को डिवाइड 8 करने का, जितना भाग आएगा ये सेंटर से इतना आपको मार्किंग करने का 8 सेंटर लाइन के लिए। पाइप का साइड पीस आंसर कितना अभी आया 36, ये टॉप से, ये आपका टॉप है, तो टॉप से आपका कितना 36 अभी मार्किंग करने का, कितना आपका आंसर आया 36। साइड पीस आपका आंसर कितना 36। फिर मिडिल पीस कितना 72 mm, चल 72 mm कहाँ से लेने का, ये मार्किंग से लेने का 72 mm। मैं 100 से पकड़ रहा हूँ, ये आपका 72 mm, इस तरह रख के आपको ऐसे सेवेंटी टू mm साइड पीस हो गया, ये आपका मिडिल पीस। फिर और एक मिडिल पीस कितना दिया 72 mm, चल ये मार्किंग से 72 mm लेने का 72 mm। फिर आपको इधर से फिर ऐसे मार्किंग करने का
72 mm। चलिए मार्किंग से आपको 36 मार्किंग करने का। ये आपका इधर से आपको पाइप को कटिंग कर देने की, ये आपका एक्स्ट्रा पाइप है, वन पीस, ये टू पीस, ये आपका थ्री पीस, ये आपका फोर पीस, थ्री कट में बन रहा है, अब चार पीस भी निकलेगा, एक कट, दो कट, तीन कट में बन रहा है। चल कितने पीस अभी, चार पीस आएगा, एक पीस, दो पीस, तीन पीस, चार पीस हो गया अभी। मैं इधर से आपको पाइप को कटिंग कर देता, ये आपका एंड का पाइप है, ये आपको मैं इधर से काट देता है, ये आपको मैं कटिंग कर देता है। पाइप कटिंग हो गया अभी फ्रेंड्स। ये आपका जो साइड पीस है, ये आपका मार्किंग से आपका 11.6 में लेने का, ये आपका। तो हम लोग का कॉट बैक आंसर कितना निकला, 11.6 मार्किंग पॉइंट जो साइड पीस है आपका, इधर से 11.6 मार्किंग करने का। ऐसे मैं 100 से पकड़ रहा हूँ, 11.6, बट 12 mm पकड़ सकते हम लोग, 12 mm, सेंटर लाइन को 45 लिख देते हैं, जैसे 2 डिग्री, ये आपका जीरो, ये आपका 45, ये आपका जीरो। अभी 8 सेंडल सेकंड कट बैक कितना, 8.2, ये आपका 8.2 मार्किंग करने का, बाय 8 mm, ये आपका 8 mm, ये आपका जीरो। इधर से मिलने ऐसे मिलेगा, सेकंड कट बैक कितना आपका 8.2, मतलब 8 mm, ये आपका जीरो। ये साइड पीस से इधर से मार्किंग करने का, ये मार्किंग जो आपको किया है मिडिल पीस से, फिर आपको इधर मार्किंग करने का, इधर से फिर आपको 12 mm मार्किंग करना, सेम प्रोसेस ही मार्किंग करने का, 12 mm, मतलब इधर आपको मार्किंग करने का 8 mm, वेट मिली, ये आपका जीरो है। सेम इधर भी आपको मार्किंग करने का, इधर से ये आपका 8 mm, ये आप 8 सेंटर लाइन में बना रहे भी, तले ये आपका 45 का कितना आपका 8 mm, ये आपका जीरो। फिर ये मिडिल पीस आपको इधर से मार्किंग करने का, आपको साइड पीस अंदर से मार्किंग किया, ये आपको इधर से मार्किंग करने का, ये इधर से मार्किंग करने का, कितना आपका 12 mm। सेकंड कट बैक कितना 8 mm, ये आपका जीरो, ये आपका जीरो मिलेगा। सेकंड कट बैक कितना है 8 mm, एट मिली, ये आपका जीरो। ये टॉप से जो मार्किंग किया है, ये टॉप से आपको ऐसे मार्किंग करने का, ये जीरो में मिलेगा, और ये जो टॉप में मार्किंग किया है, ये जो आपका 8 सेंटर लाइन सेकंड कट बैक से, ये में जीरो में मिलेगा, इस तरह मिलाने का, इसे ऐसे मिलाने का, इसे ऐसे मिलाने का, फिर आपको ये जीरो में मिलेगा। ये आपका जीरो मिल गया। अभी सेम आपको इधर से इसे जीरो में मिलाने का, ऐसे सेम मार्किंग करना। ओके फ्रेंड, सेम ऐसे मार्किंग करने का, ऐसे मैं इसे अंदाज में मार्किंग कर देते हैं, इस तरह आपको मार्किंग करने का, ऐसे मार्किंग करने का, ये आपका फर्स्ट कट बैक से सेकंड कट बैक को मिलाने का, 0-0 में मार्किंग करने का, 0-0 में ये सेम आपका मार्किंग करेगा, सेम ये आपको सेकंड कट बैक से जीरो कट में, जब आपको जीरो में मिलाने का,
तरीके से। ये आपका फर्स्ट कट बैंक से सेकंड कट बैंक में मिलाने का, फिर सेकंड कट बैंक से आपको जीरो में मिलाने का। ये आपको एट सेंट्रल में बना रहे अभी, एट सेंट फ्रेंड्स ये आपका टॉप का मार्किंग हो गया। अभी बॉटम का मार्किंग करेगा, इसे पाइप को घुमाने का, इसे इस तरह घुमाने का, देखिए ये आपका बॉटम हो गया। टॉप में हम लोग अंदर से मार्किंग किया था, बॉटम का इधर से मार्किंग करने का। थोड़ा वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, वीडियो को थोड़ा स्किप नहीं करने का, तो आपको आपको समझ में आ जाएगा। पहले 11.6 आया था आपका, 12 mm पकड़ सकते हैं इधर से, 12 mm सेम प्रोसेसिंग है। पहले आपका सेकंड कट बैक कितना है, 8 mm, पहले इधर से आपको 8 mm मार्किंग करने का। देखिए जीरो, ऐसे जीरो में मिलेगा। इजी फॉर्मूला, आपको थोड़ा कल थोड़ा फॉर्मूला याद रखने का आपको। ये आपका 8 mm, देखिए ये आपका जीरो में मिल जाएगा। टॉप का जैसे मार्किंग किया था, बॉटम का अपोजिट मार्किंग करने का। पहले हम लोग का इधर से फर्स्ट कट बैक कितना आपको 11.6 by 12 mm, ये आपका 12 mm। सेकंड कट बैक कितना हम लोग का 8 mm, ये आपका जीरो मिल जाएगा। ये आपका 8 mm, ये आपका जीरो मिलेगा। तो का टॉप का इधर से मार्किंग किया था राइट साइड में, अभी बॉटम का लेफ्ट साइड में मार्किंग करने का। पहले सेम आपको 12 mm मार्किंग करने का, एट एम एम, ये आपका जीरो जीरो मिल गया। पहले सेकंड कट बैक कितना 8 mm, ये आपका जीरो। फ्रेंड्स ये आपका फाइनल मार्किंग हो गया है। ये थोड़ा सेंटर में से मार देने का, क्यों आपको मिलाने के लिए थोड़ा दिक्कत ना हो। मार्किंग किया, ये वाला आपको कटिंग करने का, ये वाला कटिंग करने का। ओके फ्रेंड, मैं अभी कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको ये जो मार्किंग है, ये आपको देखिए ये आपका कटिंग हो गया। देखिए मैं आपको कटिंग करके ऐसा रखा हुआ, आपको क्या करने का, ये पाइप को, ये टू पाइप है, ये आपका टू नंबर है और ये वन नंबर को ऐसे घुमाने का है, ऐसे इस तरफ मिलाने का है, ऐसे मैच करने का सेंटर पॉइंट से मारने के लिए। ये आपको इस तरफ लगाने का, ओके फ्रेंड, बॉटम का और ये आपका टॉप का है, फिर ऐसे ऐसे मिलाने का इस तरफ, ऐसे मैं मास्किंग टेप लगा रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, लास्ट पीस है,
लास्ट में ये आपका चार नंबर है, आपको क्या करना है इस तरह आपको ज्वाइन करने का, ये मार्किंग को और ये जो मार्किंग को ऐसे मिलाने का। ओके फ्रेंड, अभी मैं इसको मास्किंग टेप तरह लगा रहा हूँ इधर से। ये आपका वन नंबर था, ये आपका टॉप साइड है, ये आपका टू नंबर था, ये आपका टॉप साइड है। अभी इसको मैं रिवर्स किया, ये आपका बॉटम साइड हो गया, आपका ये थ्री नंबर है, ये टॉप का टॉप साइड था। अभी ये फोर्थ नंबर है, ये आपका टॉप साइड है, ये आपका अभी बॉटम हो गया। अभी ऐसे रिवर्स करके अपोजिट करके आपका फिटअप करने का, तीन इंच का 90 डिग्री लगभग अभी फिटअप हो गया, थ्री कट में आपका फिटअप हो गया। अभी ये आपको फिटअप 90 डिग्री हुआ, आपको फिटअप सही हुआ कि नहीं आपको कैसे चेक करने का, पहले क्या करने का, इसे राइट हैंड लेने का, इस तरह आपको राइट हैंड लगने का। राइट हैंड लगने के बाद क्या करने का आपको, ये आपका ये फेस को, ये राइट ये पाइप का फेस में टच करने का, और ये आपका टच होना चाहिए, ये राइट एंगल का पाइप में फेस टच होगा, टच होगा तो आपका मालूम होगा हाँ ये आपका परफेक्ट है। मान लो इधर सपोज गैप आएगा, आपको क्या करना थोड़ा इधर ग्राइंडिंग करना, अभी थोड़ा मेरा कटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया थोड़ा, लेकिन आपको मार्किंग हिसाब से कटिंग करने का, ठीक है। आप इस तरह आपको फिटअप करने का टाइम आपको राइट एंगल में इसे चेक करने का। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।